हाय डियर फ्रेंड, दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीबी टीचिंग पोर्टल। योर वेलकम। फाइलम का डेटा और सब फाइलम सिपेलो का डेटा एम पी एक्सेस पार्ट फोर्थ थ्योरी एंड एमसीक्यू। रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसकी बात करेंगे हम। सिफेलोपोडा यानी एम पी एक्सेस ब्रांकियोस्टोमा इसे कहते हैं और लैंसलेट भी कहते हैं। एम पी एक्सेस यहाँ पर टू सेक्सेस यानी सेपरेट यानी यूनिसेक्सुअल यानी डाइसियस यानी नो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आस द मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल लाग द आइडेंटिकल। तो यहाँ पर इसमें कोई पहचान नहीं होती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं पाई जाती इसमें। गोनड 26 से 27 पेयर्स होते हैं, सिमिलर गोनड्स समान गोनड होता है। मेटामेरिटिकली टू रोज में पाए जाते हैं, 26 से 27 टू रोज में पाए जाते हैं और 26 से 27 पाए जाते हैं टू रो में पाए जाते हैं। मेटामरिकली सेगमेंटेड होते हैं और यहाँ पर वन पेयर इज ईच सेगमेंट और यहाँ पर 25 से 51 पाए जाते हैं। एक एच जो सेगमेंट है टू रोज होती है तो एक सेगमेंट पाए जाते हैं 25 से 51 पाए जाते हैं। एच सेगमेंट में यानी दोनों में टू रो में पाए जाते हैं यानी दोनों में यहाँ पर दोनों मान लें 102 मान लें दोनों में 25 से यहाँ पर डबल जो है टू रो होती हैं। कितने रोगों में 25 से 51 पाए जाते हैं दोनों। सिट्यूटर वेंट्रली लेटरल वेंट्रली फ्राम द मिडिल पैरेंजियल रीजन अप टू द आर्टीपोर, तो आर्टीपोर तक मेरी पैरेंजियल रीजन से आर्टीपोर तक जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया था। दे आर क्लियरली विजिबल थ्रू द ट्रांसपेरेंट बॉडी अरेंज इन द लीनियर सीरीज इधर वेंट्रल लेटरल साइड वेन एट द मायोटोम्स मायोटोम के नीचे पाए जाते हैं यहाँ पर जैसे कि डायग्राम में देखा गया था। गोनड आर सिंपल हॉलो सेक्स मेजोडर्मल इन ओरिजिन। क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है कि एमसीक्यू में कि जो ओरिजिन ऑफ द गोनड थीज, तो ओरिजिन ऑफ गोनड इज मेजोडर्मल गोनड है, उनका उत्पत्ति मेजोडर्मल होती है। आर्टियल कैविटी में द कवर्ड द आउटर साइड बाय द बॉडी वाल। आउटर साइड जो गोनड है वो कवर्ड होते हैं बॉडी वाल से, इनर साइड जो है आर्टियल एपिथेलियम से कवर्ड होते हैं। इनर साइड में आर्टियल एपिथेलियम से कवर होते हैं और बाहर साइड पर आउटर साइड पर बॉडी वाल से कवर होते हैं गोनड्स। ईच गोन कंटेन सेकेंडरी गोनेडियल कैविटी या गोनोसिल। तो सेकेंडरी गोनड कहता है सेकेंडरी कैविटी गोनेडियल कैविटी या फिर गोनोसिल अराउंड द इनर प्राइमरी गोनेडियल कैविटी। सेकेंडरी और प्राइमरी गोनेडियल कैविटी पाई जाती है और इनर साइड में प्रत्येक गोनड में प्राइमरी और सेकेंडरी गोनो कैविटी पाई जाती है जो कि घेरे रहती है जर्म सेल को। कैविटी गोनोडियल अराउंड द जर्म सेल प्राइमरी गोनोडियल कैविटी और सेकेंडरी गोनोडियल कैविटी और जो कि सराउंड होती हैं जर्म सेल को, जर्म के सेल को घेरे रहती हैं। जर्म सेल के जो हैं चारों ओर पाई जाती हैं बीचार और फिर हम बाल जो कि अपने इनर साइड अराइज इसकी बाल से और जर्म सेल की बाल से डेवलप होती हैं। तो यहाँ पर जो गोनड के डेवलपमेंट की स्टेज है वन स्टेज है, यहाँ पर सेकेंड स्टेज है। ये यहाँ पर गोनोमेस होते हैं और यहाँ पर ये मायोटोम्स होते हैं बीच बीच में ये, और ये जो रॉड तरीके बाइट स्ट्रक्चर है ये जो है यहाँ पर यंग स्टेज हैं, ये स्टेज हैं यहाँ पर और ये सब 5 स्टेज तक फुल डेवलप होता है गोनड्स। मैच्योर गोनड्स हैं यहाँ पर 5 नंबर पर, सेकंड पर यंग गोनड्स हैं। ये डॉर्सल पोस्टीरियर साइड पर हैं फिर डॉर्सल साइड में आते हैं फिर यहाँ पर एंटीरियर साइड पर पहुँच जाते हैं गोनड्स। एंटीरियर साइड पर मैच्योर होते हैं, पोस्टीरियर साइड पर यहाँ पर इमैच्योर होते हैं या सोमैटोफाइट होते हैं। डॉर्सल साइड पर डॉर्सल साइड पर यहाँ पर
प्राइमरी गोनोडियल कैविटी होती है और सेकेंडरी गोनोडियल पोस्टीरियर पर। डार्सल पर पूछ सकता है कि डार्सल और प्राइमरी गोनोडियल कैविटी कहाँ पर जाती है, तो डार्सल सरफेस पर जाती है और सेकेंडरी गोनोडियल कैविटी कहाँ पर जाती है, इंटीरियर रीजन पर पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो प्राइमरी कैविटी पूछे, प्राइमरी गोनोडियल कैविटी इन ब्रैंकियोस्मा ब्रैंकियोस्टोमा फाउंड ऑन डोर्सल सरफेस और सेकेंडरी गोनोडियल कैविटी फाउंड ऑन इंटीरियर सरफेस। कठिन है, गैमेट्स मैच्योर ओवरी आर द टेक्टिज कैन बी आइडेंटिटी ओनली द सेकेशन बिकॉज ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा इन कंटेंट। तो यहाँ पर जब दोनों की पहचान कर सकते हैं जब जब सेक्रेशन होता है इनका और डिफरेंट स्ट्रक्चर आप स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा के डिफरेंट स्ट्रक्चर के कारण इसे पहचान सकते हैं, सेक्रेशन ओनली इसके उत्पन्न होने के बाद पहचान सकते हैं बीकाज इनमें डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओवा द कंटेंट, जिसमें यहाँ पर ओवा और स्पर्मेटोजोआ ओवा जिसमें पाए जाते हैं उसे समय तो जब ओजिन होती है तभी पहचान सकते हैं। टेटीज प्रेजेंट स्टेकी अपीयरेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ द मैच्योर स्पर्म ब्रैंकियोस्टोमा बन स्मॉलेट यंग अमंग द कैंडिडेट इज द 18 इम्यून लेंथ होती है इसकी, कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल न्यूक्लिएटेड हेड एक्रोसोम और मिडिल पीस एंड लॉन्ग टेल। तो सारी चीज़ें पाई जाती हैं, न्यूक्लिएट पाया जाता है जैसे कि ह्यूमन पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है न्यूक्लियस के साथ, मिडिल पीस पाया जाता है जिसमें माइटोकांड्रिया पाया जाता है, टेल पाई जाती है। तो यहाँ पर कितने रीजन है, 1, 2, 3 and 4 रीजन है यहाँ पर। द ओवरी कंटेन ओवा विच लार्ज समवाट राउंडेड इन 0.1 mm इन द डायमीटर हैविंग द लार्ज न्यूक्लियस, दे आर द माइटो माइक्रोथीर आर फोर इन ओक। तो इसमें माइक्रो लेसिकल बोले जा सकते हैं यहाँ पर भी, क्योंकि इसमें योग कम पाया जाता है जैसे ह्यूमन में है। गोनोडक्ट आर अपसेंट, गोनोडक्ट नहीं पाई जाती है, डिस्चार्ज इन टू द आर्ट्रियम बाई द रप्चर ऑफ वेंट। तो गोनोडक्ट अपसेंट पाई जाती है, इसमें गोनोडक्ट नहीं पाई जाती है, अपसेंट होती है, डिस्चार्ज इनका होता है गोनोडियल सर्टेन बीकर ऑफ स्पॉट, डिस्चार्ज होता है इनटू रप्चर ऑफ द डाइसेंस, रप्चर या डाइसेंस से गैमेट का रिलीज होता है, डिस्चार्ज होता है टीम में रप्चर ऑफ डाइसेंस, रप्चर ऑफ डाइसेंस होने से टीम में डिस्चार्ज होता है मैच्योर गैमेट का। गोनोडियल बाल अलोंग सर्टेन बीकर स्पॉट कॉल्ड द पर्केरिएट, जो गोनोडियल बाल है जिसमें वीक स्पॉट पाया जाता है जिसे केकेरी सेस कहते हैं, सिकैरी सेस कहते हैं जिसे, जो बीकर बाल होती है स्पॉट, बीकर बाल गोनोडियल की जो बाल होती है बीकर बीकर स्पॉट होता है गोनोडियल बाल में, यहाँ पर एक बीकर स्पॉट होता है जिसे केकेरी सेस कहते हैं, बिचीज आफ्टर क्लोज्ड जो कि आफ्टर बंद हो जाता है बाद में, इट इज द गैमेट सो लिबर्टेड स्केप थ्रू द एटीपोर विद द आउट गोइंग वाटर गन, जिसमें आर्टीपोर जो रैप्चर होता है यहाँ पर टेस्टिज या ओब्रीज के कारण, तो इसमें आर्टीएम में जाते हैं गैमेट और आर्टीएम से यहाँ पर गैमेट रिबल्टेड होते हैं जलधारा में, जिससे यहाँ पर बाहर की ओर जलधारा जाती है उससे चले जाते हैं। डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन एंड जो है टेक प्लेस एक्चुअली, फर्टिलाइजेशन एक्चुअली होता है, डेवलपमेंट यहाँ पर इनडायरेक्ट होता है, लार्वा पाया जाता है इसमें। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट इन्वॉल्विंग लार्वा स्टेज एक्चुअली एम्ब्रियो एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द ब्रैंकियोस्टोमा सिंपल इटरेटिव फॉर्मेट, देयर फॉर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द अननुक्लिएटेड अनकल्चर्ड बाई द मॉक योक इन टू द कम्प्लेक्स डिफरेंटेड एनिमल ईजर फॉल आउट देन द एनी वर्टिब्रेट, दे आर वर्टिब्रेट डेवलपमेंट ऑफ द एम्पियाफिस ग्रेट फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंट बिकॉज रिसेंबल द दोज ऑफ इनवर्टिब्रेट लाइक द इकोनोडर्मेट ऑन द हैंड ऑफ अदर ऑन अदर हैंड वर्टिब्रेट ऑन द अदर। तो इसका जो लार्वा है जो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के बीच की कड़ी होती है इसलिए महत्वपूर्ण है फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस इसका, क्योंकि इसका जो लार्वा है इकानोडर्मेटा और कार्डेटा के बीच का होता है, इन्वर्टिब्रेट लाइक इकानोडर्मेटा और
बर्टी बेटा की तरह होता है इसका डेवलपमेंट। ऑन द अदर डेवलपमेंट ऑफ बीएफसी बार डिस्कवर्ड बाय मैनी साइंटिस्ट एच ए विल्सन कॉर्पोरेट नाइन कोलगिन द वर्क ऑफ द कोलगिन मोस्ट रिसेंट ऑन असेप्टेड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल टेक प्लेस इन द सराउंडिंग सी वाटर भी रहेगी स्पर्मेटो जो बीकम सेड यहाँ पर रहेगा स्पर्म जो है सेड होते हैं और बिफोर द फर्टिलाइजेशन द ओवम हैज ऑन आउटर विटेलाइन मेम्ब्रेन। तो इसमें फर्टिलाइजेशन पहले से विटेलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है ओवम में इनक्लीज द पेरीफेरल इन साइटोप्लाज्मिक लेयर। इसमें विटेलाइन मेम्ब्रेन पाई जाती है यहाँ पर जिसको बंद रखती है पेरी साइटोप्लाज्मिक लेयर। विटेलाइन मेम्ब्रेन है जो कि पेरी साइटोप्लाज्मिक लेयर को जिसमें बंद रहती है विटेलाइन मेम्ब्रेन पेरी साइटोप्लाज्मिक लेयर से बंद रहती है। सेंट्रली लोगों की सेंटर में यहाँ पर योग पाया जाता है मैली टूबा द वर्टिब्रेट वर्टिब्रल पोर एंड फ्लूड फिलेट जर्मिनल सेक और न्यूक्लियस टूबा द जेनिमल पोल डूइंग द फर्टिलाइजेशन द स्पर्म इंटर द एग नियर द वेजिटेटिव पोल। क्वेश्चन बन सकता है कि जो फर्टिलाइजेशन के समय जो स्पर्म है वो कहाँ से इंटर करता है, तो इंटर करता है वेस्टिजियल पोल से, जिससे फर्टिलाइजेशन होता है वेस्टिजियल पोल से इंटर करता है स्पर्म। प्रेसम्प्टिव एरिया फर्टिलाइजेशन आई एक जायगोट मैजिक डिप्लॉयड एंड हैच क्रोमोसोम। क्वेश्चन हो सकता है डिप्लॉयड जायगोट ऑफ एम्पियोक्सिस हैव 24 क्रोमोसोम। इमीडिएटली गिव आउट द सेकेंड पोलर बॉडी इट साइटोप्लाज्म बीकम अरेंज इन द प्रेसम्प्टिव एरियाज दैट फॉर्म द डेफिनेट फ्यूचर ऑफ ऑर्गन एनिमल्स। प्रेसम्प्टिव एरिया जैसे फ्यूचर ऑर्गन बनते हैं के लिए साइटोप्लाज्म एंटीयर हाफ बॉडी एक्टोडर्म जो कि साइटोप्लाज्म डेवलप इनटू द एक्टोडर्म बेयर्स ए क्रिसेंट शेप्ड ग्रैनुलर एरिया गिव्स राइज मेसोडर्म एट द एनिमल पोल से आप क्लियर साइटोप्लाज्म एनिमल पोल पर क्लियर साइटोप्लाज्म पाया जाता है डेवलप बाय द रप्चर ऑफ जर्मिनल जर्मिनल वेसिकल्स के रप्चर होने से एनिमल पोल पर क्लियर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म लिपोटेड इन पेरिफेरल रीजन ऑफ फ्लो डाउनवर्ड टू डाउनवर्ड वेजिटेटिव पोल एंड कंसेंट्रेट फॉर्म ग्रे क्रिसेंट। तो इसमें यहाँ पर डाउनवर्ड जो है ग्रे क्रिसेंट पाया जाता है वेजिटेटिव पोल पर। तो नीचे की ओर यहाँ पर दो चीज़ें पाई जाती हैं, यहाँ पर वेजिटेटिव पोल पाया जाता है और दूसरा ग्रे क्रिसेंट पाया जाता है। तो यहाँ पर ये करेक्टर है एक का। डोर्सल साइड पर यहाँ पर डोर्सल साइड पर क्या पाया गया था, क्लियर साइटोप्लाज्म पाया गया था। डोर्सल साइड शेप को कहते हैं डोर्सल और सफेद को कहते हैं एनिमल पोल और जो वेजिटेटिव पोल है वो बेंटर सफेद को कहते हैं जो कि यहाँ पर ग्रैनुलर होती है ग्रैनुलर और जो कंडेंस है इसमें ग्रे क्रिसेंट पाया जाता है जिसे वेजिटेटिव पोल बोला जाता है। यहाँ पर ये एग है इसमें ये जो चित्र बताए गए हैं इसमें ये यहाँ पर डॉर्सल साइड है एनिमल पोल है ये यहाँ पर वेंट्रल साइड है इसे वेजिटेटिव पोल कहते हैं जिसमें ग्रे क्रिसेंट पाया जाता है। ये यहाँ पर ग्रे क्रिसेंट है मेसोडर्म ग्रे क्रिसेंट। ये पोस्टीरियर साइड है यहाँ पर और यो की फर्टिलाइजर मेम्ब्रेन है ये और प्रेसम्प्टिव नोटोकार्ड है यहाँ पर। तो ये एंटीरियर पार्ट बोला जाता है ये पोस्टीरियर पार्ट बोला जाता है। एर्ली एम्ब्रियोलॉजिक डेवलपमेंट तो क्लीवेज इज द क्विक प्रोसेस स्टार्ट सून आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो क्लीवेज है यहाँ पर होने के बाद फर्टिलाइजेशन क्लीवेज होने लगता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद रफली बींग सनसेट एंड द कम्प्लीट इन टू द मॉर्निंग। जो यहाँ पर शाम को शुरू होता है फर्टिलाइजेशन और जो क्लीवेज है वो स्टार्ट होता है पूरा हो जाता है यहाँ पर मॉर्निंग तक। तो क्लीवेज यहाँ पर शाम को स्टार्ट होता है सुबह ख़त्म हो जाता है बिफोर आउट सेट ऑफ द क्लीवेज विटेलाइन मेम्ब्रेन सेट सेपरेट फ्रॉम द प्लाज्म। क्लीवेज बिफोर क्लीवेज होने से पहले यहाँ पर जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है वो सेपरेट हो जाती है ओपिलास से एंड बाइंड कैविटी अपेयर जिससे बाइंड कैविटी दिखाई देने लगती है।
जाइगोट ऑफ ब्रांकियोस्टोमा कंटेन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ द योक, इट इज सेगमेंटेशन ऑफ द डिवीजन ऑफ टोटल कंप्लीट। तो इसका यहाँ पर जो क्लीवेज होता है वो कंप्लीट, जिसे होलोब्लाटी कहते हैं, कंप्लीट क्लीवेज होता है जिसे होलोब्लाटी कहा जाता है। द फर्स्ट एंड सेकेंड क्लीवेज आर द मेरोडन, फर्स्ट और सेकेंड मेरियोडनल होता है एट राइट एंगल्स ईच द अदर रिजल्टिंग फोर एंगल्स। तो यहाँ पर राइट एंगल पर होता है, फर्स्ट क्लीवेज मेरियोडर्मल होता है, फोर इक्वल सेल जैसे ब्लास्टोमर कहते हैं। थर्ड क्लीवेज होता है यहाँ पर, यहाँ पर सेकेंड क्लीवेज है मेरोडन में होता है, फर्स्ट जो क्लीवेज है, फर्स्ट क्लीवेज आज मेरोडर्मर वर्टिकल राइट एंगल ईच, और सेकेंड फर्स्ट जो है मेरोडर्मर होता है, सेकेंड थर्ड जो है अनइक्वल होता है, फर्स्ट इक्वल होता है थर्ड जो है अनइक्वल होता है, फर्स्ट मेरोडर्मल होता है, थर्ड जो है क्यूटल होता है, पासिंग हॉरिजॉन्टली लिटिल अबाउट द मिडिल लाइन प्रोड्यूस एट ब्लास्टोमियर ऑफ द विच अपर फोर सिमिलर फोर स्मॉलर एंड कॉल्ड द माइक्रोमस एंड लोअर फोर आर लार्जर कॉल्ड द मेगामस। आफ्टर द सिक्स्थ क्लीवेज, सिक्स्थ क्लीवेज होते हैं बॉल लाइक मास ऑफ द 64 सेल मुकाबले मारूला। तो मारूला कितने सेल का होता है? 64 सेल। क्वेश्चन सुन सकता है मारूला हर सेल, मारूला टेज हर सेल 64। ब्लाटूला फर्दर द क्लीवेज रिजल्ट इन द हॉलो बॉल एंड ब्लाटूला इट इज द हैज फिल्ड क्लूड इंटरनल स्पेयर द सेगमेंटेशन कैविटी आर ब्लाटोसील ब्लाटूला इज नॉट स्फेरिकल बट समवाट पियर शेप्ड पोस्टियर स्लाइटली पॉइंटेड बाल थिन ओनली द वंस थिक एंड सेल्स एंड सेल यहाँ पर ये स्टेज है डेवलपमेंट की एंड सेल्स स्पेसिक स्ट्रक्चर सेल हैं वो स्पेसिक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती हैं। कार्बोनर माइक्रोमियर ऑन द बेंटल साइड, कार्बोनर माइक्रोमियर से बेंटल साइड पर एक्टोडर्म बनती है, कार्बोनर माइक्रोमियर से एक्टोडर्म बनती है। लार्ज योकी माइक्रोमस ऑन द डॉर्सल सर्वेट, लार्ज जो लार्जर योकी माइक्रोमस डॉर्सल सर्वेट बनती हैं जो कि फ्यूचर एक्टोडर्म। तो यहाँ पर माइक्रोमियर से क्या बनता है? एक्टोडर्म, और जो माइक्रोमर्स हैं उनसे बनता है एंडोडर्म। जो बड़ी वाली सेल हैं यानी माइक्रोडर्म उनसे एंडोडर्म बनती है, और जो माइक्रोमर्स हैं उन्हें एक्टोडर्म बनती है जो कि ग्रैनुलर होती है पोस्टियर लेटरल साइड ऑफ पेरिटोनियल पेरिटोनियल रीजन। मेजोडर्मल सेल स्मॉल डॉर्सल एरिया कंटेन द स्मॉल एक्टोडर्मल पोर्शन नोटोकार्ड ऑफ द कार्डर सेल, नोटोकार्ड एक्टोडर्मल सेल हैं जिसमें नोटोकार्ड या कार्डर सेल पाई जाती हैं एंड बिलीव द स्मॉल एंटीरियर पेरिटल इनक्रीज द एक्टोडर्मल पोस्टीरियर न्यूरल प्लेट सेल। तो एक्टोडर्मल न्यूरल प्लेट पाई जाती है एक्टोडर्मल में।